एनिमल इन एक्टिविटी फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ एनिमल इन एक्टिविटी दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एक्टिविटी दैट इज द टारपोर हाइबरनेशन विंटर स्लीप एंड द एस्टिवेशन फर्स्ट था डेफिनेशन ऑफ एनिमल इन एक्टिविटी स्टूडेंट सिंपली जो वर्ड्स रिप्रजेंट कर रहे हैं इन एक्टिविटी का मतलब ये है वैन द एनिमल इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज तो एनिमल एक्टिंग एक्टिविटी एक्चुअली वो टाइम है जिसमें एनिमल्स अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वैन द एनीमल इज नॉट परफॉर्मिंग यर्स नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज इट इज़ एक्चुअली द टाइम ऑफ सम एक्सट्रीम कंडीशन तो सपोज देर इज नो फूड द एनवामेंटल कंडीशन आर वेरी सिवियर इन बोथ केसेज द एनिमल इट विल स्टॉप फीडिंग एंड इट विल गो टू सत प्लेस वेयर इट कैन लेव फॉर सर्टन टाइम इन द इन एक्टिव फॉर्म तो इन एन एनिमल एक्टिविटी इन एक्टिविटी जो है क्या है इट इज अ टाइम पीरियड इन विच देयर इज नो वैन देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वैन देर इज सिविलिटी ऑफ कंडीशन द एनिमल इट स्टॉप फीडिंग एंड गो इनएक्टिव एंड इट इज इनएक्टिव इट इज द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी सो ड्यूरिंग इनएक्टिविटी द स्पेशली द मेटाबोलिज्म ऑफ एनिमल इट डिक्रीजिज तो मेटाबोलिज्म ऑफ एनिमल क्या होगा इट विल डिक्रीज ड्यूरिंग द एनिमल इन एक्टिविटी पीरियड अल्टीमेटली देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल इन एक्टिविटी देर आर द टारपोर हाइबरनेशन विंटर स्लीप एंड द एस्टिवेशन फर्स्ट द टारपोर टारपोर जो है इट इज द इन एक्टिविटी पीरियड ऑफ सम एनिमल्स ड्यूरिंग ट्वेंटी फोर आवर साइकिल एक एनिमल अपनी ट्वेंटी फोर आवर के दरम्यान कुछ टाइम के लिए अगर दौरान कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव अगर होता है तो वी से इट इज द टार फोर द बेस्ट एग्जाम्पल इज द फॉर हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड अगर हम देखें तो वन अ वेरी स्मॉल बर्ड है हैन इट इज एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम इट फीड्स कंटिन्यूसली ये कंटिन्यूसली फीड करता है लेकिन हमिंग बर्ड का मेटाबॉलिक रेट इतना हाई होता है कि जो कुछ फीड करता है वो साथ साथ यूटिलाइज हो जाता है तो रिजल्ट ये है कि हमिंग बर्ड के पास फूड स्टोरेज नहीं है व्हाट वा, वा, विल हैपन एट नाइट रात के वक्त क्या होगा अगर रात के वक्त हमिंग बर्ड का मेटाबॉलिज्म उसी स्पीड से चलता रहे जैसे दिन को चल रहा होगा तो रिजल्ट ये होगा कि उस स्पीड से मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए फूड अवेलेबल नहीं है तो हमिंग बर्ड की फ़ौरन से डेथ हो जाएगी तो नेचर ने क्या किया है कि इसको एक खास वे में जो प्रोटेक्ट किया है कि ड्यूरिंग नाइट जैसे ही हमिंग बर्ड का फूड जो है उसने यूटिलाइज कर लिया तो इसका मेटाबॉलिक रेट सडनली डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाता है सिमिलरली इट्स टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर आठ सौ डिक्रीज एंड इट बिकम आलमोस्ट इनएक्टिव ये इनएक्टिव हो जाता है और ये सारी रात जो होता है इसी इनएक्टिव फेज में गुजार जाता है इसकी बेनिफिट क्या है जब इनएक्टिव है तो उसकी मेटाबोलिज्म इतना स्लो है इतना लो है कि वो सर्वाइव कर जाएगा उसको एनर्जी मजदीद फीडिंग जो है वो जरूरत नहीं होगी बट ड्यूरिंग डे टाइम अगेन जैसे डे टाइम आएगा एनिमल अपने टारपोर्ट से दोबारा क्या होगा रीएक्टिवेट होगा इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटाबोलिज्म दोबारा बहाल होगा इट विल फ्लाई एंड इट विल अप्रेन द फूड इससे ट्वेंटी फोर आवर के दौरान अगर कभी एनिमल इनएक्टिव होता है तो उसका हम टार्पर बोलते हैं दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ हमिंग बर्ड एंड द बैट्स बैट्स भी जो होती हैं वो भी क्या करती हैं टार्पर से गुजरती हैं द सेकेंड इज द हाइबरनेशन हाइबरनेशन जो सेकेंड इनएक्टिविटी पीरियड है एनिमल्स का विच एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विंटर एंड इट लास्ट फ्राम फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स कई महीनों वीक से लेकर चंद वीक से लेकर ये कई महीनों तक जो वो इनएक्टिविटी पीरियड जो वो होता है अच्छा अगर हम देखें तो जो टार और हाइबरनेशन में फर्क है स्टार पर जो है वो ट्वेंटी फोर एक दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है टारपर जबकि हाइबरनेशन जो होता है इसका लाइफ टाइम स्पेंड जो है वो वीक से लेकर मंथ्स तक होता है अगेन केस ऑफ हाइबरनेशन हाइब्रनेशन में क्या होगा कि जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है इट विल डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाएगा इसके अलावा इसके जो है वो बॉडी टेम्परेचर इट विल आरसो डिक्रीज फॉर एग्जांपल द मनी ऑफ द एनिमल्स दे आर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज अप टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द हाइबरनेशन प्रोसेस सो हाइबरनेशन के मैं अगर देखें बहुत सारे वाम ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैंच हाइबरनेट वाम ब्लडेड एनिमल्स के अंदर रोडेंट्स श्रीज एंड द बेट्स हैं विच हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर अच्छा ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स दे इवन दे हैव देर थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस मसला हाइबरनेशन में क्या हुआ कि एनिमल का नॉर्मल टेम्परेचर था थर्टी सेवन हाइबरनेशन के दौरान उसका टेम्परेचर सेट हो गया सेवनटीन के ऊपर अब सेवनटीन के ऊपर ही थर्मोरेगुलेशन होगी जबकि एक्टोडर्म के, के केस में ऐसा नहीं होता एक्टोडर्म आमतौर तो पर अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं जैसे स्नैक्स वगैरह अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो अगर विंटर बहुत सीवियर हो जाए तो फिर एक्ट्रोडर्म्स की आमतौर पर ड्यूरिंग हाइबोनेशन डेथ हो जाती है द थर्ड वन द विंटर स्लीप विंटर स्लीप एक ऐसी कंडीशन जिसमें द बॉडी टेम्परेचर जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर आमतौर बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप नहीं करता है एनिमल गॉड स्लीप एनिमल सो जाता है लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप नहीं करेगा बॉडी टेम्परेचर ना ड्रॉप करने का मतलब यह है कि वो किसी भी टाइम पर दोबारा एक्टिवेट हो सकता है अपनी बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है बियर्स जो हैं वो नॉर्मली हाइबरनेट नहीं करते बल्कि वो विंटर स्लीप करते हैं इसलिए वो जब कंडीशन बेहतर होती है देख गॉट अप एंड स्टार्ट फीडिंग एस्टिवेशन थर्ड टाइप फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल एक्टिविटी इज द एस्टिवेशन एस्टिवेशन इज द एनिमल एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन या हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग समर शदीद गर्मी के अंदर जो एनिमल इन एक्टिव होता है जिसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द एस्टिवेशन है सो एस्टिवेशन आमतौर पर तब होगी जब ड्रॉट कंडीशन होगी ड्राई कंडीशन होगी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है इस केस में क्या होगा कि ड्यूरिंग एस्टिवेशन द एनिमल दे बड़ी दैम सेल्फ इन टू द मड एनिमल्स अपने आपको मड के अंदर कीचड़ के अंदर दंसा लेते हैं और उसके बाद दे स्पेंड देयर टाइम देयर अनलेस द कंडीशन आर बेटर एंड दे कम आउट अगेन जब कंडीशन बेहतर हो जाएंगी वो दोबारा बाहर आ जाएंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स और इवन फ्रॉग्स जो हैं दे गो थ्रू एस्टिवेशन ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर